गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं करने वाली हूँ ब्लू फूड चैलेंज। ब्लू मैंने वेयर भी कर लिया है और मतलब मुझे ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ब्लू फूड सिलेक्ट करोगे कम्युनिटी पोस्ट के टैब में से, बट यार सच्ची में क्यों मेरा मतलब लेमन कर दिया। मैं सोच के बैठी थी कि देखना या तो रेड आएगा या येलो, और मैं इतनी अच्छी अच्छी डिशेज सोच के बैठी थी और आप लोगों ने तो मतलब पूरा मेरा कचरा कर दिया मेरी सोच का। सो यहाँ पे मेरे पास ये देखो ब्लू टी, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। मैं ब्लू फूड कलर ढूंढ रही थी वैसे तो ऑनलाइन, बट मुझे ये मिल गया। एंड ये ऑर्गेनिक फ्लावर्स हैं ब्लू कलर के, इनको पानी में बॉईल करना है हमको, ऐसा इसमें पीछे लिखा हुआ है। ये तो नहीं लिखा हुआ हम इसको किस किस में यूज़ करते हैं, जनरली ब्लू टी है, जैसे ग्रीन टी होती है वैसे ब्लू टी है। तो मैं सोच रही हूँ इस कलर को मैं यूज़ कर लूँ अपने खाने पीने के फूड में। आई जस्ट विश कि ये ढंग से वर्क कर जाए और मैं भूखी ना रहूँ। दो तीन चीज़ें मैंने सोच ली है, अभी मैं बनाने वाली हूँ बनाना शेक, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो लेट्स गो। शेक ठंडा होता है तो वो हल्का सा गरम गरम मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने उसको अभी फ्रीजर में रखा है समथिंग अराउंड 15 मिनट्स। उसके बाद में से थोड़ा सा ब्लू कलर और डालूंगी। बाय द वे ब्लू कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है, कि पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कैमरे पे या नहीं है, बट ये बहुत ही सुंदर सा ब्लू कलर आया है इसमें और बहुत अच्छा लग रहा है ये। और सो आई एम हैप्पी क्योंकि इसमें कलर भी नहीं है और मस्त लग रहा है। फ्यू इंचेस लेटर, बहुत फुल फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट बनाना शेक, पर मुझे कुछ नमकीन खाने की इच्छा हो रही है और मैं इतनी आलसी हूँ। रखी ना अभी, प्लीज़ डरना मत, मैंने बाल फैला रखे हैं, डर मत जाना। गॉड यार कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हो गए, पता नहीं आज क्या हो गया। मेरी वाली जो आईज है ना, इसमें से पानी पानी आ जा रहा है बार बार। अगर अभी आपको दिखाऊंगी मतलब बार बार पानी आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी ना मैं जा रही हूँ किचन में, ओ सॉरी फॉर दी मैस, अभी सफाइयाँ चल रही है तो सब ऐसे ही फैला हुआ है। अभी मैं किचन में बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं खेलते टाइम, मैंने बॉन्ड कि आप लोग मुझे ढंग से सुनो। और यहाँ मेरा सारा सामान फैला हुआ है और ये मेकअप बिल्कुल भी अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ। मुझे इस वीडियो को लाइव करना है अभी शाम को और आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा मेरे साथ होता है हमेशा एंड टाइम पे, ये बिल्कुल भी अच्छा टर्न आउट नहीं। सारी ब्रेकआउट हो गई स्किन, सो आई एम प्लानिंग कि मैं इसको तो ड्रॉप करूँ इस प्लान को एंड मैं एक न्यू वीडियो शूट करूँ। गिव अवे की मुझे शूट करनी है तो वो मैं अभी बैठ के शूट करती हूँ, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और कुछ बनाऊंगी। मैंने प्लान किया है कि मैं आटे में वो ब्लू वाला पानी डाल के आटा लगाऊंगी
एंड उसको एज अ रोटी सेकूंगी, बस उसको रोटी के ऊपर मैं बटर लगा लूँगी, मतलब पराठा वाला सेक लूँगी उसको पराठे की जैसे, पर उसमें बटर जो लगाऊंगी वो गार्लिक और गार्लिक बटर है अमूल का वो वाला, अगर वो टर्न आउट सही होता है तो मैं कुछ खा लूँगी, वरना मैं भूखी रहूँगी बिकॉज ऑनेस्टली रात के 8:15 हो चुके हैं, मैंने सुबह बनाना शेक पिया था, उसके बाद मैंने कुल्फी बनाई और मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं भूखी हूँ सुबह से और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं पता है शायद है ना मुझे भूख लग रही है इसीलिए मेरा आधा मूड ख़राब हो रहा है, इसीलिए मेरी इतनी ज़्यादा स्किन ब्रेकआउट हो रही है ना, इतना ज़्यादा आईज में से पानी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मेकअप तो बिल्कुल कचरा क्रिएट हुआ है, मैं खुद को फोन में यहाँ पे स्क्रीन पे देख लूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है यार क्या सारे ब्रेकआउट हो गए यार। एक्चुअली मैं छत पे घूम रही हूँ बिकॉज क्या है देखो चांद है, कल पूर्णिमा थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और जनरली मुझे छत पे घूमना रात को बहुत अच्छा लगता है ठंडक में शांति में। सो अभी ना वैसे तो मैंने वो आधा ही पराठा खाया था, उसमें पता है क्या हुआ, कोरियर वाला तो लेके जाता है और वो जो कैसे एक कंपनी वगैरह आती है जैसे ई कॉम और ये सब, वो और भी सस्ता होता है, वो ही होता है 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए। One eternity later. मैंने कितना कचरा किया है, मैंने नहीं किया है और उस दिन हो ही रहा था, वरना मैं किसी चैलेंज में ऐसा नहीं करती, आगे जो चैलेंज आएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आउट हुए हैं, मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, बस एडिटिंग करके अपलोड करने हैं उन सबको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी ना मेरे को भूख लग रही थी ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार और इस ब्लू कलर को, तो मैंने ना मैगी बनाई एंड मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही ब्लू में हम येलो का मतलब मैगी का जो मसाला है वो येलो होता है, जैसे ही ब्लू में मैं वो ऐड करूँगी तो ये ग्रीन टर्न आउट हो जाएगी, तो ये बन गई, ये मैं बहुत दिनों के बाद एडिट कर रही हूँ वीडियो मैं बता दूँ, और ये मेरी उस दिन की कुल्फ़ी भी, उस दिन पता है क्या हुआ था कुल्फ़ी में पानी के क्रिस्टल्स आ गए थे, पता नहीं कैसे क्यों क्या हुआ था, मैंने बाद में अगेन उसको सारी कुल्फ़ी को मेल्ट करके और ज़्यादा ओटाई उसको, तब जाके आज ये बहुत अच्छी बनी है एंड इट इज़ हेल टेस्टी और ये बिल्कुल प्रॉपर ब्लू कलर आया है, ऑलमोस्ट गल गई है पूरी, पानी पानी हो गया, वॉट यूज किया, उसकी रेसिपी जरूर देखना आप लोग, लिंक मैंने दे दिया देखना जरूर। सो गाइज विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो ओवर हेयर, बहुत ज़्यादा चंपू टाइप लग रही हूँ मैं, स्पेक्स स्पेक्स चिपके हुए बाल। ओके सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस फूड चैलेंज ओवर हेयर, कल नया फूड चैलेंज आएगा तो उसके लिए चैनल पे बने रहना, गिव अवे चल रहा है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को आके विजिट करें, उसके गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, दिवाली स्पेशल गिव अवे है आप लोगों के लिए एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आप कमेंट करके मुझे और भी कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी फूड चैलेंज की, अगर आप करना चाहते हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ट्राई ऑल ऑफ दोज चैलेंजेस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।